नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कन्वेयर सेफ्टी के बारे में। कन्वेयर पे काम करते समय हमें हमेशा एंटी फटीग मैट पे खड़े रहना है। जब भी हमारे कन्वेयर से पैकेट आए, हमें अपने दस्तानों को पहन के रखना है और फिर पैकेट को हैंडल करना है। जब भी अगर आपके टर्निंग पॉइंट पे कोई पैकेट फंस जाता है, उस केस में आपको इस शेफर्ड हुक से पैकेट को खींचना है। कन्वेयर पे काम करते समय कभी भी हमें उसके ऊपर सहारा नहीं लेना है और कभी भी झुक के काम नहीं करना है, इससे हमारा आई कार्ड फंस सकता है। हमेशा हमें इंश्योर करना है कि हम अपने आई कार्ड को अपने वेस्ट के अंदर डालें। जो भी लड़कियां कन्वेयर के पास खड़े होकर काम कर रही हैं, उन्हें हमेशा अपने बाल को बांध के रखना है और कोई भी लूज फिटिंग्स या ऑर्नामेंट्स नीचे नहीं आने चाहिए। जब भी आप कन्वेयर पे काम कर रहे हैं और कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, जैसे आपका आई कार्ड फंस जाता है, आपके कपड़े फंस जाते हैं या कोई पैकेट या आपका हाथ फंस जाता है, उस केस में हमें कन्वेयर रोकने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमारी पुल कॉर्ड है, इसको हमें नीचे की तरफ खींचना है और नीचे की तरफ खींचते ही हमारा कन्वेयर बंद हो जाएगा। दूसरा, ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है, इसको हमें अंदर की तरफ पुश करना है, उस केस में भी हमारा कन्वेयर बंद हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कन्वेयर सेफ्टी के बारे में। इस कन्वेयर को पावर्ड कन्वेयर कहते हैं। ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाया जा सकता है। पावर्ड कन्वेयर हमेशा अपने फिक्स लोकेशन में और मार्किंग के अंदर रहना चाहिए। इस कन्वेयर को जब भी आप फिक्स पोजीशन पे रखते हैं तो इंश्योर करना है कि ये व्हील लॉक रहे इसका। जब भी आपको इसको दूसरे पोजीशन पे ले जाना है, सबसे पहले आपको इसका व्हील अनलॉक करना है, फिर आप इसको लेके जाएंगे। काम करते समय हमें ध्यान देना है कि हम इस पर लेटे ना, बैठे ना और इसके नीचे से क्रॉस ना हो। इमरजेंसी के केस में अगर आपका आई कार्ड, कोई पैकेट या आपका हाथ इसके बीच में आता है, उस केस में हमें ध्यान रखना है कि ये कन्वेयर कैसे बंद होगा। इस कन्वेयर को बंद करने के लिए हमारे पास इमरजेंसी स्टॉप बटन है। इमरजेंसी के टाइम पे हमें इस कन्वेयर को बंद करने के लिए इमरजेंसी स्टॉप बटन दिया गया है, इसको हमें पुश करना है और ये कन्वेयर उसी स्थिति में बंद हो जाएगी। हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी हम कन्वेयर यूज़ कर रहे हैं। कन्वेयर यूज़ करने के बाद हमें इसको इसकी पोजीशन पे लाके रख देना है।